अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफताब इकबाल साहब, FSJ, शकील चौधरी साहब और बब्बू राणा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहबा। बब्बू, आप अकेले रह गए या आपको चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया? मुझे चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया। आज वो चौधरी साहब हो गए, आपको पता शकील साहब नहीं है। चौधरी साहब एज पूरा ही खैर पागल लगे रहे कॉमेडियन। हां जी, ना करे माशाल्लाह, ऐसी ऐसी फिक्की जुगत इन्होंने की थी, मैं की थी होनी। और जी चौधरी साहब, गलत फहमी का शिकार हो। ऐसे टीम का हिस्सा? केड़ी टीम का हिस्सा? नहीं नहीं, तानू मैं खोल लिया। अच्छा, मैं आ जाऊं उधर? नहीं, पुरबाश भाजी पर के छड़ो भाजी। होर तुसी सुनाओ, माशाल्लाह पेंट दे नाल मैच करके बूट पाए ने माशाल्लाह, उत्तम डंडास कलर दी शर्ट। डंडास किधर से आ गया? डंडास पता है किस डंडस को कहते हैं? हां जी। नहीं, इन तुसी होर भी तो कुछ कहंदे हो, लेमन के होरे केड़ा कलर? मैं जे येलो कहता ना, कुछ होर कह देना। लाइम जूस से ये जाए, ये प्योर येलो है। मैं अल्लाह दी सुन डरदे हूं, उदों दा येलो नहीं कह रहे, मैंने कुछ होर कह देना। वो आकर अक्कर है जिसको तुम गोल्डन सा होता है जी, और वो कोई इतना प्यारा नहीं होता। चलें जी अपने काम की तरफ चलें। ये क्या होता रहेगा? ये अपने काम की तरफ चलें, अल्लाह दी सौ। एक तो कसौटी जलों दी आई है, नामे मौला पौने पौने फिके हो गए हैं, पहले बढ़िया चादर चढ़ रही है। ठीक है, वैसे भी सवालों के गेम बुझण वाली जी, मैं भी शामिल करो। चलें जी, आज से बब्बू राणा इज अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ऐसी क्या बात? मैं बच के कितने लुकमा देता? नहीं नहीं, बाज़ चीज़ों में तो तुम बहुत ठीक हो। मैंने सोचा कि फिल्म, थिएटर, रेडियो, टीवी, नहीं कभी कभी एग्जैक्ट नाम ले लेते हैं या उस फील्ड पे चले जाते हैं। आइए जी, वी हैव अ चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी माय नेम इज चौधरी इरफान ज़हीर। जी सर, साहब कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं वैसे बाय प्रोफेशन तो एडवोकेट हूँ, और लेकिन टीवी एंकर भी हूँ, स्पोर्ट्स शो होस्ट करता हूँ जी मैं। ये मीडिया पे बड़ा ठीक ठाक काम करते हैं, हमने इनके साथ काम किया भी है। थैंक यू सर। ये क्रिकेट पे मुख्तलिफ गेम्स में बड़ा इनका बड़ा एक्टिव रोल रहा है। PTV के ऊपर भी वो जो एक फेमस शो था जिसमें लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसमें ये नहीं थे, बहरहाल उस दिन नहीं थे, लेकिन ही हैड बीन होस्टिंग दैट शो ऑल्सो। अच्छा जी, इरफान भाई शख्सियत मर्द? जी बिल्कुल सर। जिंदा? जी। ताल्लुक एशिया से? जी सर। जनूबी एशिया? राइट सर, बिल्कुल। पाकिस्तान? जी। चार जीज हो गए? फाइव जी। ये फाइव जीज हो गए। पाकिस्तान से ताल्लुक है, और शोबे पे जाएं स्ट्रेट। स्पोर्ट्स से मैं तो आगाज करूंगा, मेरा हंच ताल्लुक स्पोर्ट्स की दुनिया से? बिल्कुल सर। भाजी कहते जो 6G होना, बंदा कॉल की जगह बंदे ने आप आया करना, हैलो की हाल है, मैं सुनया इस तरह होना बंदा वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ होलोग्राम एक कॉन्सर्ट हुआ है, एक तो नहीं उससे ज़्यादा हुए हैं। एक तो बिलावल ने किया था, बिलावल में क्या नहीं, एक जो पहला हुआ था ना कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें डेड परफॉर्मर वॉज ब्रॉट लाइव ऑन होलोग्राम। अच्छा जनाब, क्रिकेट स्पोर्ट्स डिटर्मिन करें ना, स्पोर्ट्स कौन सी है? आप टीम स्पोर्ट्स है या नहीं, सीधा क्रिकेट पे जाएं? ताल्लुक क्रिकेट के साथ है? जी बिल्कुल सर, क्रिकेट से। योर पर्सनालिटी सीम्स टू बी टू ऑब्वियस। हे, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। हां, ये भी एक ट्रेजेडी है। करंट रिटायर्ड और प्लेइंग? इज ही अ रिटायर्ड क्रिकेटर? जी। 8 G's? हां जी। एक रिटायर्ड क्रिकेटर रिटायरमेंट को? आप ये आपका मामला जो है ना, 10 साल पहले रिटायरमेंट को इनके 10 साल हो चुके? 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हो चुके ना, 25 से पहले? 25 साल? 25 साल? 25 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कह सकते, ऑलमोस्ट 25। तो सन क्या हुआ जी? अराउंड 1997। 10 साल। अब आ जाए बैट्समैन या बॉलर, हाँ अगर ऑलराउंडर है तो जरा सर बड़े क्रिकेटर्स को देखे ना 97 के आसपास, ये तो फिर वो टीम है जो वर्ल्ड कप वाली टीम, 92 वाली टीम है। इसके बाकियात जो है 97 तक आए, और कैन बी रमीज राजा। अच्छा जी, नहीं इनका थोड़ा सा ताल्लुक ऐसे ही मेरे लाशौर में है, कुछ PCB के साथ ताल्लुक था, ऐसे ही है पता नहीं क्या। देखिए एक तो आकिब है, मेरा नहीं ख्याल ये आकिब का पूछेंगे। 92 वर्ल्ड कप के जो परफॉर्मर्स थे ये देखे ना, खुद ब्रॉडकास्टर हैं रमीज
besides other things, is a great broadcaster. He's an expert. Though we don't always agree with him. Quite phika though. जब वो कॉमेडी करता है तो बहुत उसमें और नजम सेठी में ये कदर मुश्तरक है. रैम्बो अपना मजाक अपनी जुगत और खुद टिका के हंसते हैं और फिर इधर उधर कहका तलब नजरों से देखते हैं कि भाई फाइनल का आखिरी कैच उसने पकड़ा था. जी नहीं सर, वो तो बैट्समैन बड़ा कमाल है. इतना सीधा बैट, रोलिंग शॉट, जो बुकिश जो शॉट्स हैं उनका वो मास्टर है. लेकिन उसका भी ये प्रॉब्लम है ना कि 35 से ज्यादा स्कोर के बाद ना उसे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी कोई काम है करने वाला. 35-40 दैट्स इट. अच्छा जी ये बताइए कि अब अल्लाह करे ये वही हो क्योंकि हमने इतनी तमहीद बांधी है. इज ही अ बैट्समैन? यस सर. ओपनिंग बैट्समैन? राइट, बिल्कुल जी. राइट हैंडेड? जी राइट हैंडेड. राइट हैंड. ये दो भाई टेस्ट क्रिकेटर्स थे? जी. एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड. दूसरा भाई लेफ्ट हैंडेड था? जी बिल्कुल सर. प्रिंस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट? जी. को कहा जाता था, जिसकी गुगली भी बहुत मशहूर थी और उसके सिक्सर्स भी बहुत मशहूर. मोस्ट स्टाइलिश कह सकते हैं. अच्छा, नहीं सर, उसकी सबसे अच्छी आम सबसे आम बात जो शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डिंग किया करता था. जी मोस्टली. बिल्कुल. ये उसकी स्पेशलिटी थी. ये वो जगह जो कोई भी नहीं लेता और वो वहां खड़ा होता. आपने रमीज राजा पूछा. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल. अच्छा बाय द वे मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेयर है. बहुत ही फेवरेट मेरी उसके साथ. मैं समझता हूँ सबसे बड़ी लागतबाजी इस बात पे कि 40 स्कोर करने के बाद वो इतना एफ्लुएंट अपने आप को इतना काने समझने लग जाता है, कनात कर जाता है. वरना अगर ध्यान से खेले ना तो पीपल डोंट वांट एन एग्रीगेट फ्रॉम हिम, पीपल वांट दोज ब्यूटीफुल शॉट्स फ्रॉम हिम. लोग मैं कभी तेंदुलकर की सेंचुरी नहीं देखता, मैं उसकी शॉट्स देखता हूँ. शॉट्स का प्लेयर है वो. क्या कहें, तो रमीज बहुत स्टाइलिश प्लेयर है. उसकी और ज्यादा स्टाइलिश फॉर्म आई थी, उससे चार हाथ आगे बाद में आया था बच्चा जो जुए में पकड़ा गया, वो क्या नाम है उसका, भट्ट साहब? नहीं जी नहीं, भट्ट साहब तो बेचारे बदनसीब थे, वो हम बदनसीब थे. वो तो बहुत ही सुपीरियर सलमान भट्ट इतना सुपीरियर बैट्समैन था कि पाकिस्तान को मेरे हिसाब से आज तक उससे अच्छा, उससे श्योर शॉट ओपनर नहीं मिला. कैप्टन भी शायद, कैप्टन भी उस जैसा ना मिलता. आप हो सकता है मेरे साथ डिसएग्री करें लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है. वो जो दूसरा, एक सेकंड, इमरान जी? नहीं नहीं, जे आता है जमशेद, नासिर जमशेद. नासिर जमशेद मुझे स्टाइलिश बैट्समैन की अगर कोई एक फहरिस्त होगी ना तो आई विल पुट हिज नेम ऑन द टॉप. और एक दफा मैं ये वाक्य भी हमेशा सुनाता हूँ, जनरल तौकीर साहब वॉज माई गेस्ट इन जियो प्रोग्राम, खबरनाक उन दिनों करते थे. तो एशिया कप हो रहा था तो ये थोड़े से लेट पहुंचे तो कहते आफ्ताब मैच तो नहीं शुरू हुआ? मैं सर हो गया. कहता गड्डी चो उतरते शुरू हो गया. मैं शुरू हो गया. कहते कौन खेल रहा है? मैं क्या, नासिर जमशेद ने तीन इतनी खूबसूरत शॉट्स लगाई हैं कि हाँ. कहता तीन लाती सू? मैं क्या, कहता वेखी हूँ बस चौथी नहीं तो पंजवीं, अभी बैठते बैठते क्या चौथी नहीं तो पंजवीं शॉट थे. इन्ना फजूल जहा कैच देगा कि तू हैरान होएगा कि ये वही बंदा है और इसने वही कुछ किया. यूं करके कैच दे दी. तो वो मेरा बड़ा फेवरेट है. उसके बाद आता है सलमान स्टाइल में. और जो ओल्ड स्कूल है सर, फेरिस्त रमीज राजा. जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा. मोहम्मद ताहा इज अ वेरी यंग चैलेंजर. किस क्लास में हो ताहा? सर 8th. और ताल्लुक लाहौर से ही है? जी. चलिए जी, आई होप के कोई नॉन पर्सनैलिटी हो, कोई बिल्कुल ही बच्चों वाली पर्सनालिटी ना पूछ लेना यार. ताहा खुद लेकर आए आज, है ना ताहा? आप लेकर आए पर्सनालिटी? यस. अच्छा जी ताहा, शख्सियत मर्द है? यस. जिंदा? नो. एशियाई? नो. ताल्लुक अमेरिका से? नो. यूरोप से? यस. यूरोप है तो बर्तानिया से? यस. आइए जी. उनके वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो. 72 के बाद? 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? जी. 1997 से पहले? 1997 और 1972 के बीच दरमियान. जी.
आवाजें इस पे कुछ स्पोर्ट्स शख्सियत पे आए ताल्लुक स्पोर्ट्स से है नो पॉलिटिक्स पे तो नहीं पूछेगा शोबिज नौजवान शोबिज से ताल्लुक है ताहा नो दस सवाल शोबिज से भी ताल्लुक नहीं है इल्मो फजल से है यस इल्मो फजल से ताल्लुक अच्छा तो ही इज अ राइटर राइटर को बच्चों का राइटर हो सकता है सर बच्चों का राइटर हो सकता है उसके बाद पोएट राइटर नॉवलिस्ट स्टोरी टेलर नॉवलिस्ट की तरफ जाएं जी हाँ ये नॉवलिस्ट हैं जी इस दौरान कौन सा नाव ये तो कोई फिर नया नॉवलिस्ट है नॉवलिस्ट हाउ मेनी क्वेश्चंस 11 द 12 क्वेश्चंस 12 हो गए वो तो बहुत पहले उसका इंतकाल हो गया था जिस पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनी है नहीं वो तो बहुत पहले आरआर टॉल्किन वो तो बहुत 100 साल पहले का कैरेक्टर इवन 100 साल नहीं 75 आई थिंक हां मतलब देखिए नॉवलिस्ट कौन है जेफरी आर्चर था एक एंड ही रोट वंडरफुल इंग्लिश समरसेट मॉम पुराना हां समरसेट मॉम पुराना एक तो डिटरमिन कर लें थ्रिलर राइटर है या नॉवल जो है वो किस उसमें है देखिए एक तो वो है जो आप इयान फ्लेमिंग कब मरा था फ्लेमिंग 70 ये इसके बीच में आता है फ्लेमिंग है फिर एक और बड़ा है जिसने स्पाई नॉवल्स बड़े लिखे हुए आर्थर कॉनन डॉयल नहीं नॉट आर्थर कॉनन ई कार कार हां जॉन ले कार जॉन ले कार जॉन ले कार द मैन हु कॉइंड वर्ड्स लाइक मोल डबल एजेंट के लिए मोल जॉन ले कार बहुत अच्छा लिखता आई लव्ड हिज कहा ये एस्पियोनेज नॉवल लिखते थे नो बच्चों की स्टोरीज लिखते थे यस 14 क्वेश्चंस नो इज टॉकिंग बच्चों की स्टोरी कौन सी इनके कोई ऐसी जिसके ऊपर कोई कॉमिक सीरीज बनी हो कॉमिक सीरीज नहीं टीवी सीरीज बनी टीवी सीरीज तो नार्निया है एक तो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया दैट इज ब्रिटिश हां बट वो ब्रिटिश है इसलिए कि मैंने खरीदी थी एनटीएम के लिए वो नार्निया वो जिंदा है अभी राइटर नहीं वो जो है हैरी पॉटर वो तो खातून है सर वो तो खातून है ना बट हां बट शी इज अलाइव रोलिंग क्या नाम है उसका जेके रोलिंग दैट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन चिल्ड्रन सीरीज इनके किसी नॉवल पे फिल्म भी बनी है यस फिल्म 15 जी सर डेंजर जोन यस अबाउट टू वन मोर क्वेश्चन वन वेरी बिग ब्रिटिश जॉनी डेप में ही प्लेज द मेन कैरेक्टर चॉकलेट फैक्ट्री डाली एंड द चॉकलेट बट आई डोंट नो द नेम ढाल क्या रोल ढाल DHL डाल मेरे भी ज़हन में आ रहा था तो ये ब्रिटिश नाम कैसे है वेल्श है ना वेल्श इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज उसमें वावल्स बड़े कम है उसमें वावल्स नहीं है जिस तरह डच में हाँ उनके भी डच और स्कैंडिनेविया में भी ये बताइए ताहा ये जो इनका नॉवल है जिसकी फिल्म भी बनी इसमें कोई फैंटेसी कैरेक्टर है जी चॉकलेट और कैंडी का बड़ा इसमें जिक्र है जी अरे ताहा क्या हाल है तुम्हारा आई थिंक द नॉवल इज द मूवी इज नॉवल का नेम सेम ही डाली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री हां ये है नाम क्या है इसका रोल ढाल आई थिंक रोल ढाल एच साइलेंट नहीं होगा इसमें हां रोल ढाल ढाल रोल ढाल रोल ढाल तो नॉवल का नाम लीजिएगा डोंट नेम द पर्सन हो सकता है आई एम नॉट नेमिंग द पर्सन चॉकलेट फैक्ट्री का राइटर है चार्ली एंड द चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री का राइटर है यू गॉट इट नाम लेंगे रोल डाल जी रोल डाल यस अरे वेरी गुड मटिल्डा भी बनी है इनका नॉवल मटिल्डा वाज अ मच बेटर मूवी व्हिच इज वाज आल्सो वेरी गुड लेकिन मटिल्डा तो क्या बात अच्छा मटिल्डा ना होती अगर इसमें डैनी डेविटो ना होती उसकी जान था डैनी डेविटो क्या उसकी परफॉर्मेंस थी एक इंतहाई एरोगेंट सा और बिल्कुल बेतनाई बरतने वाला बाप और इवन वो जो विलन थी उसकी क्या थी मिस पता नहीं क्या होती वो जो ओलंपियन होती है वो बहुत जालिम जबरदस्त कैरेक्टर था थैंक यू वेरी मच थैंक यू
जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलें। जनाकुर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ख्वाजा अफजल कमाल। जी ख्वाजा साहब, स्टार्ट करें। हाँ जी ख्वाजा साहब, लाहौर से हैं? जी सर, लाहौर से। जी शख्सियत मर्द? यस। जिंदा? नो। एशियाई? यस। ताल्लुक जनूबी एशिया से? यस। पाकिस्तान से? नो। भारत से? जी। एक इंडियन मर्द जो जिंदा नहीं है, ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जी अजय साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके? नो। 25 साल से ज्यादा? नहीं सर। 97 के बाद, तो रिलेटिवली अ रीसेंट पर्सनालिटी। 10 साल भी पूछ लो। नहीं नहीं, 97 के बाद, 2000 शोबे पे आए। इनका ताल्लुक सियासत से है? नहीं। शोबिज से है? यस। दस सवाल हैं जो इस पीरियड में आते हैं। कादर खान डाइड इन दिस पीरियड। हाँ, उसका ताल्लुक तो सियासत से भी था, सुनील दत्त का। इलेक्टेड जी, वो तो है, लेकिन सियासत को वजह शोहरत तो नहीं ना, वो ऐसे उसकी बेगम का भी ताल्लुक था, इसका भी था। कादर खान? कादर खान ओम पुरी या डाइड इन दिस पीरियड। इन दोनों से ज्यादा कदावर शख्सियत दिलीप कुमार। दिलीप कुमार वो तो रीसेंट है, वो तो 5 साल भी, लेकिन पीरियड यही है। लेकिन पीरियड तो वही है ना, 5 साल हुए उनको, विद इन 5 इयर्स, नॉट वेल फॉर अ लॉन्ग टाइम। खन्ना साहब, प्राण, प्राण आल्सो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड, वेरी बिग नेम। खन्ना साहब एक, विनोद खन्ना। यस। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी थी? जी हाँ। हीरो थे? जी हाँ। तो वजह शोहरत बतौर हीरो थी? जी एब्सोल्युटली। अच्छा जी, एक विनोद खन्ना हो गया, एक दिलीप कुमार हो गया, कुमार हो गया, फिर आप इनमें और कोई भी नहीं, इवन कादर खान वाज नॉट अ हीरो। हाँ, दत्त, सुनील दत्त। सुनील दत्त, वो मैं सियासत की वजह से उनको जरा साइड पे कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हो जाता ना। विनोद खन्ना डेली कॉलेज से पढ़े हुए थे और कॉलेज में वो स्टूडेंट लीडर थे। राजेश खन्ना भी इसी पीरियड में। राजेश खन्ना सर, वो शशि कपूर एंड शमी कपूर आल्सो। शमी कपूर आल्सो, ठीक है। पूछेंगे उनका बच्चा कोई? नहीं सर, ताल्लुक पंजाब से डिटरमाइन। पंजाब ही कपूर्स वर फ्रॉम पंजाब। कपूर तो पेशावर। पेशावर क्या भी द वेयर वाज पेशावर? पंजाब था, इट वाज पंजाब भाई। दे आर पंजाबी स्पीकिंग। कपूर पंजाबी स्पीकिंग होना और चीज़ है, मतलब 1901 में अलहदा सूबा बन गया था ये ओरिजिनली। वैसे तो कहते हैं कि समुद्री से उनका ताल्लुक था। पंजाबी स्पीकिंग थे वो लोग। इवन विनोद खन्ना वाज पंजाबी स्पीकिंग। हाँ, ही वाज पंजाबी। ये ज़्यादा इसको थोड़ा सा ना, मैं लिसानी तासुब के तासुब के हक में नहीं हूँ, लेकिन इट विल नैरो इट डाउन। अच्छा जी, वॉज ही पंजाबी स्पीकिंग? नो नो। अच्छा, एक और बड़ा अहम कैरेक्टर, बड़ा अहम कैरेक्टर था, ही वॉज ऑल्सो पंजाबी स्पीकिंग, जो इसी दौरान फौत हुआ है, रोमांसिंग विद लाइफ का राइटर सर। हाँ, बट वो कह दिया ना कि देवानंद। हाँ, देवानंद देव जी, उन्होंने पंजाबी कह दिया कि पंजाबी पंजाबी नहीं, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम नारोवाल। तो अगर वो नहीं है तो फिर मौज करें। दिलीप कुमार पंजाबी स्पीकिंग नहीं थे। दिलीप कुमार शुरू से ही पेशावर। पेशावर से पूछे जी, ताल्लुक पेशावर से था भैया? जी हाँ। देवदास उनकी फिल्मों में से एक थी? जी हाँ। दाग उनकी फिल्मों में से एक थी? जी हाँ। राम और श्याम उनकी फिल्मों में से एक? एब्सोल्यूट। नया दौर उनकी फिल्मों में से एक? जी बिल्कुल ऐसे। ये कितने सवाल पूछ रही है, ये कहीं 20 से ऊपर ना चले जाएं। कितने हो गए इन बातों के बाद? 18। आन उनकी फिल्मों में से एक थी? जी हाँ बिल्कुल। वो सारा बानो के शौहर थे? जी बिल्कुल ऐसे। आपने दिलीप कुमार। नेक्स्ट चैलेंजर। बिल्कुल जी, रेडी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली तूर। तूर साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जी तूर साहब, शख्सियत मर्द है?
जी हाँ जी। जिंदा नहीं। एशियाई जी। ताल्लुक जनूबी एशिया से जी। एक जनूबी एशियाई मर्द जो जिंदा नहीं है, ताल्लुक पाकिस्तान से जी। हाँ जी जी, जाइए उधर। पूर साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज़्यादा जी। 72 और 97 यस। 92 और 72 के बीच। शोभा, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से नो। शोबिज से नहीं। इल्म फजल, इल्म फजल से जी। 10 सवाल। इल्म फजल से तो अदीब, अदीब हो सकते हैं, कोई रिसर्चर, मुहक्किक। पहले तो अदीब की तरफ जाया जाए। अच्छा जी, तो तूर साहब अदीब हैं कोई? जी हाँ जी अदीब। वजह शोहरत नसर है? नहीं। शायरी, शायर। 12 सवाल। शायर, अब पीरियड 97 और उसके बीच, ताल्लुक पंजाब से और फिर लैंग्वेज पे आए, मे बी इज अ पंजाबी पोइट, है ना? तो ये कर लेंगे, तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं कि पंजाब से है। इज ही अ पंजाबी पोइट? नहीं नहीं। ताल्लुक पंजाब से जी? हाँ जी। उर्दू पोइट? उर्दू ही। मुनीर न्याजी भी हैं? मुनीर न्याजी तो रिसेंट उनकी डेथ है, लेकिन 97 के बाद की है। 97 के बाद? डेफिनेटली। ये जो शख्सियत है 97 से पहले की, ये 72 और 97 शख्सियत पहले की है। मुनीर न्याजी नहीं, फैज, यस, इसके बीच आते हैं। He died in 84. 84. October probably. 84. December, I think. John Elia? Nein, John Elia was not from Punjab. No, no, no. Did he say he's from Punjab? He said he's from Punjab. Tabhi to hum Faiz pe pahunche. He's not a Punjabi poet, but he's from Punjab. But he's an Urdu, sir. Sare Urdu poets Punjab se hain. 80%. Nasir Kazmi died in this period. Nasir Kazmi bahut bada shair. Nein, sir, nein. He was from Lahore. He was Urdu speaking though. He was from Ambala. Ambala. बाला से होने के बावजूद उर्दू ही में शायरी की, मेरा गुमान है। शायरी नहीं, उनकी जबान भी उर्दू थी, वो अहले जबान थे, या ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरे जहन में रह गया। पहले नैरो डाउन इन्हें कर लेना, दो तो ये तो हो गया ना जी, बहुत बड़े शायर, और बहुत बड़े शायर ही पूछे जा सकते हैं। और इस दौरान फैज हो गए, नासिर काज़मी, नासिर काज़मी बहुत बड़े शायर। सूफी तबस्सुम, वैसे तो अंजुम रोमानी, नसर, नसर भी था, नज़में भी हैं। मैंने पंजाबी शायरी सर पूछा था, सूफी तबस्सुम वाज़ अ पंजाबी शायर, पंजाबी में काफी। बाय द वे, फैज़ वाज़ अ पंजाबी शायर एज वेल, मैंने पूछा था पंजाबी शायर है, आपने कहा नहीं, आपने यही कहा ना भैया, नहीं पंजाबी शायरी नहीं है। ज्यादा नहीं किया उन्होंने, ज्यादा नहीं की, तो सर आप ये कहना पंजाबी भी, इसका जवाब होना चाहिए था पंजाबी भी। कितना शौक हुंदा इत्थे जितन दा लोकां नूं, आप कहिए कि काग उडावा, ये किसकी है? दिस इज फैज अहमद फैज। और उनकी एक बड़ी अच्छी नज़्म है वो, के सोने रब्बा सोने तू ते आखिया सी, जी तू ते आखिया सी। और फिर एक और, वजर होवे ते आखिए बिस्मिल्ला, अज दौलतां साडे घर आईयां ने, जिंदे कौल ते असां विसा कीता, उन्हें ओड़क तोड़ निभाईयां। वाह वाह, दिस इज फैज अहमद फैज। वाह वाह, क्वेश्चन कितने हुए हैं जी? उन्होंने पर्शियन में पोइट्री की है, पंजाबी में की है, उर्दू में की है, किसी अखबार के एडिटर भी रहे हैं। Yes. पूछ लीजिए जी, ताल्लुक सियालकोट से। किसी अखबार के एडिटर भी रहे हैं? नहीं। फैज नहीं, फैज भी नहीं, अहमद नदीम कासमी भी नहीं। वैसे अहमद नदीम कासमी तो बाद में फौत हुए, देन इट इज नासिर कासमी, अ कट आउट केस। उनके साहबजादे भी शायर थे? नहीं, यानी बासिर कासमी आउट, क्योंकि वो तो हयात हैं। बासिर कासमी नहीं शायर थे, मैंने पूछा ना, जैसे वसीम राजा और रमीज राजा नहीं। अच्छा जी, कितने हो गए? 16 questions. और शायर, we have to tread carefully. लेकिन ये फिर कोई उस पंजाब से ताल्लुक, सैयद जमीर जाफरी, वेरी बिग पॉइंट। अख्तर शेरानी, अच्छा जी, जोश 81 में, लेकिन उनका तो पंजाब से नहीं ताल्लुक, नहीं पंजाब से तो नहीं, लेकिन कराची आके सेटल हुए थे और फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में फौत हुए, और उन्होंने पंजाबी नहीं की इसलिए अहले जबान थे वो। लेकिन अब चूंकि पर्सनालिटीज रिपीट भी हो सकती हैं, हाँ, तो हबीब जालिब का भी हो सकता पूछा हो। हबीब जालिब की डेथ कब हुई? हबीब जालिब की डेथ प्रोबेबली इन द लास्ट 10-15 इयर्स, 97 के बाद हुई। बाद की बात, नहीं बाद नहीं, वो जो वाकया था ना, वो जो बीबी की गवर्नमेंट में उनके बेटे
के साथ ज्यादती की थी ना उसने जहांगीर बदर ने, वो 96 की बात है, मोस्ट प्रॉबली 95 या 96 था, और ये यहीं पे था, और ये उसी दौर की बात है, वो पहले फौत हो चुके थे। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि मज़ाहमती या रेजिस्टेंस पोएट्री की इंकलाबी देख लें, अपना शोरश कश्मीरी भी आते हैं फिर इसमें, शोरश भी आते हैं, हबीब जालिब भी आते हैं, क्योंकि बड़े नाम तो यही हैं जो फेमस हैं, बहुत फेमस नाम है। शहजाद कंपैरेटिवली इतने फेमस नहीं है, शकीब जलाली बहुत तगड़े शायर थे, इतने फेमस नहीं। वही मैं ना वही कह रहा हूँ, अंजुम रोमानी बहुत अच्छे शायर थे लेकिन फेमस नहीं। बट आगा शोरश वो भी थे ना, प्ले राइट भी। अच्छा दूसरा ये कि आगा शोरश कश्मीरी ने तो बहुत नसर लिखी है, बल्कि ज्यादा नसर ही है उनकी। उस बाजार में क्या शानदार किताब है, अताउल्लाह शाह बुखारी की बायोग्राफी उन्होंने लिखी, फिर एक और थी वो 53 की मूवमेंट पे किताब है उनकी, मजीद अमजद। मजीद अमजद डाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड, शब-ए-रफ्ता के बाद। 16 सवाल हुए, शब-ए-रफ्ता के बाद, महकते मीठे मस्ताने जमाने, कब आएंगे वो तारिक अजीज जो गाया करते थे, जमाने तेरी सांसों की सौगातें बहारें, तेरी नजरों के नजराने जमाने। देखो क्या कादरुल कलाम शाह, और जैदी जो थे वो मुस्तफा जैदी, मुस्तफा जैदी भी इस पीरियड में, वो हाँ पीरियड यही बनता है। लेकिन क्या मुस्तफा जैदी ने पंजाबी पोएट्री की? ही वाज आल्सो अ नेटिव स्पीकर और ही वाज फ्रॉम यूपी, या वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज आउट क्योंकि उन्होंने क्या पंजाबी भी की है, मजीद अमजद ने भी नहीं की पंजाबी, उन्होंने कहाँ की है, जालिब रह गए, जालिब एंड उस्ताद दामन, नहीं उस्ताद दामन तो है ही पंजाबी, वो तो है ही पंजाबी, रोए तुसी भी हो रोए असी भी है, दामन साहब लाली अखियां दी पी दस्ती है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हो। कहते हैं जब उन्होंने ये नज़्म पढ़ी थी, मुशायरा था इंडिया में ना, जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो यू नो पार्टिसिपेंट, उसकी आंखों में भी आंसू थे ये सुन के, बात ही ऐसी थी। दामन साहब बड़ी दुनिया यार, नून मीम राशिद, बट डिड ही राइट एनी पंजाबी पोएट्री? नून मीम राशिद ने पंजाबी में तो पता नहीं कहा है कि नहीं, बट राजवल किसी रात आने नहीं जा रहे, राज फ्रॉम अभी कल की बात है यार, कल फौत हुए तो राज वाज फ्रॉम NWFP 14-15 में, ही वाज फ्रॉम कोहाट, मेरे दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त, दैट वाज अ पर्सनल लॉस। हफीज जलंधरी पंजाबी नहीं है ना, ही मस्ट हैव रिटन, ही वाज अ टिपिकल पंजाबी, जलंधरी, ही वाज बोर्न इन 1900। तूर साहब टाई बड़ी ढिली की थी, तनु जैकी चंद ने कुटिया, मैं एक्चुअली उसको मार के आया हूँ। अच्छा 16 है जी क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, और हमारे पास अब नैरो डाउन करने के लिए एक तो ये कि वाज ही फ्रॉम लाहौर, हफीज जलंधरी वाज फ्रॉम लाहौर, जालिब वाज फ्रॉम लाहौर, एंड जमीर जाफरी वाज फ्रॉम पिंडी, ही वाज फ्रॉम जेलम, ताल्लुक लाहौर से पूछें और फिर नैरो डाउन करें। जी तूर साहब ताल्लुक लाहौर से है, जी हाँ जी, जमीर जाफरी इज आउट, नून मीम राशिद इज आउट, शबे रफ्ता वाले भाईजान मजीद अमजद पहली आउट, मजीद अमजद इज आउट, या यंग से थे वो मुन्नू भाई इज आउट, ये तो मेरे जालिब की तरफ ही बात जा रही है फिर, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। 17 सवाल और शायर हुसैन में आता है, वेल नोन, ये वही लगता है जी, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से, वजह शोहरत मज़ामती शायरी है? नहीं, ओह दैट इज अ शॉक, कैसे मुमकिन है, ये अब मुश्किल काम हो गया। अदीम हाशमी का इंतकाल कब हुआ? देखो इतने मारूफ नहीं है, बात बात की बात है, वो ऐसे मारूफ नहीं, उस कैटेगरी में वो नहीं आते थे, लेकिन ये अच्छे शोरा कराम थे जो एक ही अपने मतलब हम असर थे, खालिद अहमद, एक इनका बिल्कुल जोटीदार रिसेंटली फौत हुआ है नजीब अहमद, जिसका बड़ा खूबसूरत मिसरा है, उम्र जब काट चुकूंगा तो शबाब आएगा, और अदीम हाशमी, इनकी ये दोस्ती थी इनकी बड़ी। हाउ टू रूल आउट, नहीं ये तो नहीं है, तबस्सुम तबस्सुम तो पंजाबी बहुत शायरी की है उन्होंने भाई,
principle. मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू ही ट्रांसलेटेड ग़ालिब इनटू पंजाबी. वो गवर्नमेंट कॉलेज में उर्दू फारसी पढ़ाया करते थे. टोट पटोट ने खीर पकाई. बच्चों की शायरी पूछ ले. बच्चों की शायरी भी. There's no harm. उर्दू गजल भी उन्होंने कही है, गीत भी कहे हैं, नज्म बड़ी बहुत सारी नज्में कही. अल्लाह करे जहां को मेरी याद भूल जाए, अल्लाह करे कि तुम कभी ऐसा ना कर सको. वाह वाह वाह. अच्छा जी, बच्चों की शायरी भी इनकी वजह शोहरत थी. जी हाँ जी. आहा, क्यों जी? शकील साहब इज राइट ऑन द. आहा, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया पूछा जा सकता है. गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े बड़ों ने पढ़ाया हुआ है. उनकी बेकरी भी है रेलवे रोड पे. जी बाल मंडी बेकरी से मैंने बाकर खानी ली. ये पूछ लेते हैं जी कि एफएसजे ने उनकी बेकरी से बाकर खानी ली या नहीं ली. ये नहीं किया है, ये इस्माइल मेरठी की है. नहर पर चल रही है पंचकी, दैट इज इस्माइल मेरठी. ये तो है जी सूफी तबस प्रिंसिपल रहे हैं वादत कॉलेज के. गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं थे मेरे ख्याल. गवर्नमेंट कॉलेज वादत रोड. नहीं, वादत रोड. ओके. कितने सवाल हुए जी? 19. मैं उस वक्त तुमको मिलने गया. आखिरी सवाल. पिछले दिनों उनका मेरे ख्याल पोता भी कहीं आया था हमारे किसी शो में. भाई पोता हमारे शो में चंद दिन पहले, डॉक्टर टोनी. यस, डॉक्टर टोनी उनके पोते हैं. हाँ जी हाँ जी. सूफी निसार उनके बेटे थे. सूफी निसार बहुत शानदार प्ले राइट थे. इनके साहबजादे बहुत आला प्ले राइट थे. जी हाँ जी. आपने सूफी तबस्सुम पूछा. ग्रेट पर्सनैलिटी, एक्सीलेंट पर्सन. लेकिन 20 तक ले गए यार. Yes. इसलिए कि जिस तरह क्रिकेटर्स एक से एक बढ़ के हैं ना, पंजाब ने एक से एक बढ़ के शायर पैदा किए. और वैसे आपने ज्यादती की है, आपको पहले ही कहना चाहिए था कि पंजाबी भी की है. मैं माजरत चाहता हूं. आपको नहीं पता कि मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू उनकी पोएट्री है. ऐ पुत्र हटाते नहीं विकदे. तू लभदी फिरे बाजार कुड़े. और पंजाबी क्या होती है भाई जी? एक्चुअली उनकी उर्दू शायरी भी थी, लेकिन भाई पूरी उर्दू शायरी एक तरफ कर दे, पुत्र हटाते नहीं विकदे एंड गालिब का तर्जमा एक तरफ कर दे, और अगर आप साहिब दीवान से पूछेंगे ना, वो कहेंगे जी सारी बाकी उधर कर दो, मैं इन दोनों पे खुश हूँ. ऐसी है जैसे ब्रायन एडम्स का एक गाना एक तरफ कर दे, बाकी सारा ब्रायन एडम्स. इनकी कॉपी भी एडवर्टाइजिंग की. कॉपी? हाँ, इनकी कॉपी भी होगी. 707 फैज की भी है, इनकी भी है. साबुन हो तो 707. हम तो जाने सीधी बात, साबुन साबुन है तो 707. और फैज अहमद फैज की पोएट्री याद है? कॉपी. फैज अहमद फैज वाज अ ग्रेट कॉपी राइटर. ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद पीआईए. अफसोस कि उस पर अमल दरामद नहीं किया. तो अब चलते हैं अली अवैस की तरफ आज के गाने के लिए. जी जी अली. सुनाए बैरी
मुझ बिरहल का जियारा जलाए, दूरी खाना जाए है राम, याद पिया पिया